हेलो बच्चों, देखो बेटा, जो हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। अब ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप ध्यान से सुने और मुझे जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें और थोड़ा सोचें तो हो जाएगा। जैसे मैंने एस ब्लॉक करवा दिया आपको पहले, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जैसा है ना, तो वैसे ही मैचिंग में आता है, बट ये इजी है। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिर्फ इसी की डिस्कशन है। तो अगर आप चाहो तो आपके पास जो भी बुक है आप वहां से इस चैप्टर को रीड कर लेना। मैं इस चैप्टर की रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चैप्टर के सीधा ही क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जिससे आपको चैप्टर पता चल जाए क्या है, और इजी चैप्टर जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक से कोट लिया हुआ है रिलेटेड टू हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब इज बीइंग विजुलाइज्ड एज मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है जिसको हम यूज करके अपने डे टू डे वर्क करते हैं। जैसे कार में पेट्रोल डालते हो, वो सोर्स ऑफ वो एनर्जी है ना। पेट्रोल को जलाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर सेल हम यूज करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब बेसिकली क्या है, जैसे कोल पेट्रोल है, तो कोल पेट्रोल इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगे, तो साइंटिस्ट कुछ ऐसे सोर्स ढूंढ रहे हैं या ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं कि अगर ये खत्म हो जाए तो हम कल को हम अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कैसे करेंगे। तो उसमें एक आता है सोलर सेल। देख, सुना होगा आपने, सोलर सेल्स आते हैं है ना, सोलर एनर्जी को यूज करने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो उसी में एक आता है हाइड्रोजन। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को जलाएं, तो देखना जरा ध्यान से, जब हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बर्न होके वाटर बनाएगा और साथ में एनर्जी बनाएगा। ये एनर्जी हमारे काम आ सकती है, चाहे गाड़ी चलाने के, चाहे कुकिंग के, कुछ भी, क्योंकि हमें हीट चाहिए समहाउ। तो इसको मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करोगे तो ये इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो ये है हमारा हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल देख रहे हैं। तो ये तो एक मोटी सी बात हो गई आपको समझाने के लिए कि हम यहाँ पे एनर्जी से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसको जलाने पे हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, कुकिंग पर्पज सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सी चीजें। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाए, कोल से ही बन रही है ना, कोल को बर्न करके स्टीम बना के टर्बाइन रोटेट कर रहे हैं, तो कोल बंद हो जाए मिलना, तो कल को तो सारे सिस्टम हमारे ठप हो जाएंगे। तो वो ठप ना हो उसके लिए ऑल्टरनेट सोर्सेज बनाए जा रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स सोलर एनर्जी है, अब एक इस पे काम चल रहा है हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन एज अ इकोनॉमी, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कहते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, जो हम जनरल लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके ये 3 आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H11, H12 एंड H13। तो अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, यही होता है आइसोटोप। अब जो ये वन वाला है ना, H11, तो एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम रहेगा, इसे हम प्रोटियम कहते हैं, डिनोटेड बाय P, प्रोटियम, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, डिनोटेड बाय P। इसी तरह से जो हमारा ये H2 वाला है, यानी जिसका मास 2 है, इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम, डिनोटेड बाय D, और हैवी हैवी हाइड्रोजन है। देखो, इसका मास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी इधर को जा रहे हैं तो ये हैवी हो रहे हैं, D। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से इसे हम बोलते हैं 3 वाले को ट्रीटियम। ठीक है, अब देखो, वाटर लिखा जाता है ऐसे, अगर मैं लिख दूं ऐसे तो ठीक है कि नहीं है, बताइए बताइए। देखो, जो वाटर लिखने का फॉर्मूला है, हम जनरली ऐसे लिखते हैं H2O, क्योंकि मोस्टली इस फॉर्म में मिलता है। अगर मैं H2O की जगह D2O लिख दूं, तो ये भी वाटर ही है, वाटर तो ये भी है, बट फर्क क्या है, ये हैवी वाटर है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, भाई हैवी वाटर का फॉर्मूला बताओ, तो हैवी वाटर मतलब जिसका मास ज्यादा हो, D2O लिख देना। D2 इज बेसिकली H ही है इसका मतलब, बस ये जो H है इसका मास 2 होगा, तो ड्यूटीरियम। सो P स्टैंड्स फॉर प्रोटियम, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटीरियम एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रीटियम, TRITUM, ट्रीटियम। ठीक है जी, तो इसी तरह से मैंने ये बताया, जैसे हम वाटर लिखते हैं, तो इसको मैं D2O लिख दूं तो ये हैवी वाटर हो गया। ठीक है ना, जस्ट कीप इन माइंड। तो कई बार ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है, तो आप समझ जाना ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, मतलब बहुत
मुश्किल चैप्टर नहीं है, नॉर्मल आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं करवा रहा हूँ, मेरे करवाने के बाद अगर आप बुक की रीडिंग लगाना चाहें लगा सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वैसे इसके क्वेश्चन आंसर फोकस कीजिए, डायरेक्टली डायरेक्टली हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझना। हाइड्रोजन जो है हमारा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अनस्टेबल है। क्योंकि अगर आप कन्फिग्रेशन देखो तो ये आता है 1s1, तो अगर s में दो हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा तो दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे एंड एग्जिस्ट एज H2। तो इस H2 को हम हाइड्रोजन गैस या डाई हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ध्यान रखना, इफ आई से हाइड्रोजन गैस तो H2 ही मतलब होता है इसका, इफ आई से डाई हाइड्रोजन गैस तो इसका मतलब भी H2 ही है, डाई हाइड्रोजन। इस चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन बोलिए डाई हाइड्रोजन बोलिए एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक का मतलब वो स्टेबल नहीं है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके शेयरिंग कर लेगा और H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोजन। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि डाई हाइड्रोजन बनती कैसे है। तो बुक में पढ़ोगे तो बहुत सारी रिएक्शंस मिलेंगी, मैं यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी रिएक्शन देके समझा रहा हूँ। सो देखो, एक एक सबसे सिंपल रिएक्शन जो हमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कर दें, याद आ गया ना, अगर हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कर दें तो बेटा हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, याद आ गया ना, बर्न होता है ये, बर्न्स विद पॉप साउंड। तो एक मेथड तो ये हो गया कि लेबोरेटरी में आप हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, डाई हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। तो हम लेबोरेटरी में मेटल लेंगे और एसिड की रिएक्शन करा देंगे। तो जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ पे जो मेटल है जिंक ले लेते हैं, देखो जो ये मेटल है वो जिंक ले लेते हैं, और जो एसिड है हम HCl ले लेते हैं, जो यहाँ पे H+ लिखा है ना, H+ मतलब H अपना HCl। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो ZnCl2 बनेगा और साथ में बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो गई। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरा, आपने ये भी पढ़ा है कि मैं अपना एस मेटल और बेस की रिएक्शन कर दो तो भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सोडियम जिंकेट आपने 10th में याद किया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये मेटल है और ये बेस है, यहाँ पे ऊपर वाला एसिड था, ये एसिड HCl हो सकता है, तो ये बन गया हमारा सोडियम जिंकेट। तो हमें यहाँ से मोटा मोटा पता चल गया कि अगर हमें लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनानी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम मेटल की एसिड से रिएक्शन कर देंगे। सारे बेस रिएक्ट नहीं करते मेटल से, बट ये रिएक्ट करके ही बनाता है जिंक। तो आप मोटा मोटा याद रखो कि मेटल एसिड से रिएक्ट करें या बेस से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। जो मैं बोल रहा हूँ बेटा उसको नोट करते जाना, कुछ रह जाए तो वीडियो को आप देख के नोट कर लेना बाद में। अब देखो आगे चलते हैं, एक और मेथड है। देखो अब यहाँ पे ये भी हम नोट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, समझते जाना ध्यान से जो जो बता रहा हूँ, नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, सिन गैस या फिर बोलिए वाटर गैस। सिन गैस वाटर गैस एक ही बात है, समझिए क्या होता है। मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। देखो यहाँ पे सिन गैस या वाटर गैस, तो कई बार हम पेपर में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज वाटर गैस, व्हाट इज सिन गैस। तो आप सीधा बताइए कि हम कोई ऐसी रिएक्शन करें और उस रिएक्शन में हमें CO और H2 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मिक्सचर ऑफ दिस गैसेस मिल जाए, तो उसे हम सिन गैस या वाटर गैस कह देते हैं। अब ये कैसे मिलता है, देखो, एज दिस मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सो इट इज नोन एज सिंथेसिस गैस और इन शॉर्ट सिन गैस। जो मिक्सचर ऑफ CO एंड H2O है इसे हम वाटर गैस कहते हैं। इसे मैं पूरे लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस।
और इसको हम सिन गैस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको यूज करके हम और कई चीजें बनाते हैं, जैसे मिथेनॉल बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, एक्सेट्रा बनाते हैं। नाउ डेज सिन गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीवेज, सॉडस्ट एंड स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन का मतलब है कि कोल मीन्स कार्बन, कार्बन को आप स्टीम से रिएक्ट करवाओ एट दिस टेम्परेचर 1270 1270 केल्विन पे आप हीट करो। तो जब आप हीट करेंगे तो कार्बन और वाटर कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, और इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं वाटर गैस या फिर शॉर्ट में सिंथेसिस गैस या फिर सिन गैस। ठीक है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस। तो अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय वाटर गैस, व्हाट इज वाटर गैस और सिन गैस। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। तो आपसे पूछे वाटर गैस बताइए क्या है, तो आप बताइए मिक्सचर ऑफ सीओ एंड एच टू कैसे बनता है, ये रिएक्शन डाल दीजिए, और भी कई मेथड होते हैं, ये फेमस मेथड हो गया। अच्छा, इसको हम सिन गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको यूज करके हम दूसरे केमिकल्स बनाते हैं, मैनी नंबर ऑफ केमिकल्स, तो सिन गैस हो गया। कौन से एग्जाम्पल दे दो, हाइड्रोकार्बन, मिथेनॉल, एक्सेट्रा। फिर आता है व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, प्रोड्यूसिंग वाटर गैस by reacting coal with steam, by reacting coal with steam or reaction of coal and steam is called coal gasification। और ये बहुत बहुत important question है, चलिए इसे note कर लीजिए। Okay जी, तो हमने यहाँ पे ये तीन question देख लिए, दो question जो basically बनते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने question लिखा है, knowing the properties of H2O, D2O, do you think that D2O can be used for drinking purpose? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पता तो चल गया D2O क्या होता है और H2O क्या होता है। तो this is our question, very important question, and here is our answer. लो देखो, अब जरा समझो, अब इस क्वेश्चन को का हम आंसर देखते हैं। कह रहे हैवी वाटर इज इंजूरियस टू प्लांट्स, मतलब ये नुकसान पहुंचा सकता है हैवी वाटर प्लांट्स को एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट slow down the rate of reaction occurring in them. Thus, heavy water does not support life so well as does ordinary water. अब देखो, जो हमारा ordinary water होता है ये होता है H2O, और heavy water होता है हमारा H2O हो गया, तो D2O हो गया। अब D2O क्या होता है, इसका mass 2 है, इसका मास 2 है, इसका मास 1 है, इसका मास 1 है। तो जो लाइट होता है ना, ऐसे समझ लो, समझने के लिए, जो लाइट होता है वो बॉडी में जल्दी यूज होता है, लाइट होने के कारण उसकी मूवमेंट जल्दी होगी, जल्दी रिएक्शन करेगा, जल्दी रिएक्शन करने से वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, फास्ट होगा तो एनर्जी जल्दी मिलेगी, इस तरह से समझ लो। लिखना नहीं है, लिखना तो यही है जो यहाँ पे लिखा है, तो बस आप इस आंसर को पकड़ पाएंगे अच्छे से कि आंसर क्या कह रहा है। कह रहे हैं हैवी वाटर इज इंजूरियस टू प्लांट्स, हैवी है मतलब मास ज्यादा है, हैवी है, अच्छा पहली बात तो ये याद हो गई, एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकॉज, बहुत जरूरी है, बिकॉज इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होता है, ये हैवी है, हैवी होने के कारण जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं ये स्लो हो जाएंगी, तो रिएक्शन स्लो होंगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी प्रॉपर, एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो इंजूरियस, कैन कॉज यू नो हेल्थ डैमेज, सो इट इज नॉट गुड फॉर आर ड्रिंकिंग पर्पज। गॉट इट, क्योंकि जब हमारी बॉडी में पानी जाता है तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, उसी पानी में डाइजेशन वगैरह चल रहा होता है, तो हैवी वाटर होगा तो हैवी होने के कारण इसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ऐसे समझ लो कि एक एक हल्का बच्चा है और एक हैवी बच्चा है, मतलब मोटा बच्चा है, रेस लगाओ तो जो हैवी बच्चा है वो थक जाएगा जल्दी, इसी वही है मतलब, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो हैवी वाटर जो है मास ज्यादा होने के कारण वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देता है, बस मोटा मोटा, बहुत ही आसान, याद कर लीजिए। ओके जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन क्या होता है। आप एक बार जैसे वैसे ही सोचो अपने आप ही, हाइड्रेशन पानी से रिएक्ट करना, हाइड्रोलिसिस भी हमें कुछ वैसा ही लगता है पानी से रिएक्ट करने जैसा ही ना, तो एक जैसी टर्म लग रही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है जरा समझिए। जैसे वाटर है, एक बार ऐसे हल्का सा समझाता हूँ, वाटर है, वाटर अगर टूट गया तो ये क्या बनाएगा टूट के, H+ एंड OH-। बस इस चीज को ध्यान रखना, वाटर को अगर हम स्प्लिट कर दें इक्विलिब्रियम वाइज तो H+ और OH बनाएगा, या इक्विलिब्रियम की यहाँ जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल मैंने बोला टूट गया तो ये बनाएगा। अब देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रोलिसिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ H+ एंड OH आयंस ऑफ वाटर विद अनायन एंड कटायन ऑफ सॉल्ट रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म एसिड एंड बेस। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का मतलब समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कि वाटर का H+ और OH कटायन और अनायन से इंटरेक्ट करे सॉल्ट के टू फॉर्म एसिड एंड बेस। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा तो Na+ और CO3 बनेगा, तो Na+ जो है वो OH से जुड़ के बेस बना देगा और CA3H से जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना देगा। यानी ये टूट के इसको सॉल्ट को ये एसिड और बेस में कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम नाम दे देते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रेशन क्या होता है, देखो अपना हाइड्रेशन अगर आपको याद हो, हाइड्रेशन इज द इंट्रैक्शन ऑफ वाटर विद द सॉल्ट टू फॉर्म कोऑर्डिनेटेड और हाइड्रेटेड आयंस और हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब अगर मैं आपका 10th का याद कराऊं, तो 10th में हमने ना वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। हमने POP का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है फॉर्मूला POP का याद है, CaSO4.5H2O। हमने कॉपर सल्फेट ब्लू का फॉर्मूला पढ़ा था, तो 5 वाटर। तो ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे थे, यही है एंथैल्पी ऑफ, यही इसी को हम कहते हैं हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल साथ में दिखाना, मॉइस्चर साथ में दिखाना, ऐसे समझ लो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है विच यू कैन लर्न। देखो हाइड्रेशन क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाइड्रेशन इज द इंट्रैक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब यहाँ पे है जुड़ जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाना, ठीक है, बॉन्ड बना लेना, ऐसे समझ लो बॉन्ड बना लेना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाटर टूट गया और उसके लिए सॉल्ट को तोड़ के बेस और एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट बनता कैसे, एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, तो आपने सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर दी तो उसका उल्टा हो जाए, सॉल्ट बनने का प्रोसेस उल्टा हो जाए तो हाइड्रोलिसिस, और वाटर सिर्फ साथ में अटैच हो जाए और कुछ ना हो, सिर्फ अटैच हो जाए, जुड़ जाए, तो उसे हम नाम दे देते हैं हाइड्रेशन। बहुत ही छोटी सी डिफरेंस है, जस्ट कीप इन माइंड। तो एक बार फिर से समझिए, हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस होता है कि आपने किसी सॉल्ट को पानी में डाला और वो सॉल्ट टूट के एसिड बेस में कन्वर्ट हो गया। जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, इसी तरह से उल्टा कर दो, सॉल्ट को पानी में डाल दो तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाना, रिएक्शन नहीं होएगी, जस्ट अटैच हो जाएगा, साथ में अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते थे। चलिए इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने टर्म सीख ली, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है। तो आई होप ये हमें चीजें समझ में आ गई, 10th से भी मैंने रिलेट कर दिया, तो आप समझ पाएंगे, थोड़ा थोड़ा सोचेंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज मेंट बाय टर्म डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड हाउ कैन इट बी ऑब्टेन्ड। अब देखो जी इसका सॉल्यूशन, देखो क्या होता है, जो हमारे वाटर है ना, वाटर में आयंस होते हैं, अगर हम वो आयंस निकाल दें तो डीमिनरलाइज्ड। सो देखो वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कटायन एंड अनायन इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हार्ड वाटर फर्स्ट थ्रू कटायन एक्सचेंज रेजिन। कटायन एक्सचेंज रेजिन होता है जो कटायन को हटा दे, रिमूव कर दे, एंड देन थ्रू अनायन एक्सचेंज रेजिन, मतलब फिर उसके बाद अनायन एक्सचेंज में ले जाओ जो उसके अनायन हटा दे। देखो मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है, तो वाटर का मतलब इसमें आयंस भी होंगे। अब आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं, समझिए जरा ध्यान से।
मैं क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, मिनरलाइज्ड पानी है, तो जो वाटर होता है ना, तो वाटर में आयंस होते हैं, दैट यू नो आयंस होंगे। अब ये आयंस पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। तो अगर वाटर में आयंस हैं तो वो मिनरलाइज्ड है, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर सुना होगा ना नाम, और हमारे लिए मिनरल्स, हमें बॉडी को चाहिए तो मिनरल वाटर बढ़िया होते हैं। जो हम बैटरी वाटर यूज करते हैं उसमें ये मिनरल्स नहीं होते, ठीक है ना। तो डीमिनरलाइज का मतलब जिसमें ये आयंस ना हो, कटायन और अनायन ना हो। तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, द वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कटायन, पॉजिटिव ना हो, अनायन ना हो, कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग थ्रू, फर्स्ट थ्रू कटायन एक्सचेंजर, ये एक मशीन टाइप होती है जिसमें इसको डालेंगे तो वो कटायन को निकाल देगा, यानी पॉजिटिव बाहर कर देगा, फिर नेगेटिव बच गए, फिर एनायन एक्सचेंजर में डालो, एनायन निकाल देंगे। मतलब एक ही सेटअप में ये सब कुछ हो जाता है। तो आपको मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार बुक से पढ़ें, सिंप्लीफाइड मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से होता है डीमिनरलाइज वाटर जिसमें मिनरल्स ना हो, कैसे ऑब्टेन होगा कि वाटर में से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हटा दीजिए बाय कटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन वो केमिकल मान लो या वो सब्सटेंस मान लो जो एनायन कटायन को एब्जॉर्ब कर ले, हटा दे, और यहाँ पे एनायन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हटा दे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला देखो, इज डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, वही वॉट बैटरी वाटर। तो क्या कह रहा है, इज डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इफ नॉट हाउ कैन इट बी मेड यूजफुल। जो जो हम बैटरी में पानी डालते हैं ना, वो हम पी नहीं सकते, पियेंगे तो हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अंदर मिनरल्स ही नहीं है और हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए। तो देखो, डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस सिंस इट डज नॉट कंटेन इवन यूजफुल मिनरल्स। देयरफॉर टू मेक वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यूजफुल मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट शुड बी एडेड टू डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर। तो देखा होगा आजकल जो आपके वाटर प्यूरिफायर आते हैं ना, उसमें एक दो चार सिलेंडर्स लगे होते हैं जो टाइम टू टाइम रिप्लेस होते हैं, कहते हैं 3 साल बाद आप ही रिप्लेस कर लेना, क्योंकि इसके मिनरल खत्म हो जाएंगे। ये पानी में मिनरल डालता है फिल्टर करने के बाद। तो वही चीज़ है, इज डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल्ड वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप बैटरी वाटर पी लो तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो आपका पेट खराब कर देगा। सो वही है, डीमिनरलाइज वाटर मतलब बैटरी में जो पानी डालते हैं वो वाला, जिसमें नहीं होता मिनरल्स। सो डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज सिंस इट डज नॉट कंटेन इवन यूजफुल मिनरल्स। देयरफॉर टू मेक वाटर यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, यूजफुल मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट शुड बी एडेड टू डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर। तो आपने देखा ये कितना ईजी चैप्टर है, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। ओके जी, लो जी देखो, अब हमें एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी समझना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बेटा ध्यान में रखना, क्योंकि बस हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। रीडिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे कराने के बाद आप रीडिंग कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। देखो, हाउ डज H2O2 बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट। आपने सुना है फेस ब्लीच, क्या मतलब होता है फेस ब्लीच का सिमरन, है ना, चमक जाना, चमकाना, फेस को चमकाना, या कपड़े ब्लीच करा दिए, चमका दिए, मतलब ब्लीचिंग मतलब चमकाना। तो क्वेश्चन यही है, हाउ डज H2O बिहेव एज ब्लीचिंग एजेंट, मतलब ये ब्लीच करता है, मतलब चीजों को लगाओ तो कलर शाइन करते हैं, किस तरह से। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होने वाली हूँ, मैं समझाऊंगा, जरा समझिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, और इसकी वैलेंसी -1 होती है ऑक्सीजन की। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ड्यू टू रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो अकेला ऑक्सीजन है ना, अकेला ऑक्सीजन, इसे नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये जो अकेला ऑक्सीजन है, याद रखना, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, अकेला ओ, जैसे ऑक्सीजन है, समझो ऑक्सीजन है, अगर मैं इसे तोड़ दूं इसकी एटम फॉर्म में, तो ये O+O में टूट जाएगा। तो ये जो अलग अलग एटम बने ना एटम फॉर्म को हम नेसेंट, ये जो एटॉमिक फॉर्म बनी है इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट है ना, ये जब किसी के साथ जुड़ जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, उसी को ब्लीचिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। द नेसेंट ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक फॉर्म वाला ऑक्सीजन कंबाइन विद कलरिंग मैटर विच इन टर्न गेट्स ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन देना ऑक्सीडाइज। दस द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कलरिंग मैटर बाय नेसेंट ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग मटेरियल्स लाइक आइवरी,
आइवरी, सिल्क, वूल, फैदर्स एक्सेट्रा। जैसे आपने किसी चीज को चमकाना है, ब्लीच करना है, जैसे कोई चीज गंदी हो गई या ड्राई क्लीनिंग कराते हैं ना, तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो अगर वो ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं H2O2, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन कलरिंग मैटर के साथ जुड़ जाता है और उसकी शाइनिंग बढ़ा देता है, बस। सो दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट और ब्लीचिंग एक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट है। व्हाई, हाउ इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट, तो आप इसको बताइए। बिकॉज जब हम इसको यूज करते हैं तो ये टूट के नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, नेसेंट मतलब एटम, हाइड्रोजन एटम बनाता है। ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये कलरिंग मैटर के साथ जुड़ जाता है। जो ये ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन बोल गया मैं गलती से, जो ये ऑक्सीजन बना, ये कलरिंग मैटर से जुड़ जाता है और उसको ब्लीच कर देता है, मतलब उसको चमका देता है ना। आप ऐसे समझ लीजिए, देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जब हम H2O2 को एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, तो ये H2O2 टूट के H2O और O बनाता है। जो ये O बना है, ये स्टेप 1, स्टेप 2 में बताओ, जो ये O बना है, ये कलर्ड सब्सटेंस के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद उसकी ब्लीचिंग कर देता है, ब्लीचिंग मतलब उसको चमका देता है, शाइनिंग कर देता है, शाइनिंग कर देता है, बस हो गया। सो व्हाई इट इज ब्लीचिंग, बिकॉज इट फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विद कलर्ड सब्सटेंस एंड ब्लीचिंग हो जाती है, कलर्ड मटेरियल की ब्लीचिंग हो जाती है, शाइनिंग हो जाती है। सो ये सारा है, अब आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।